अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेनीस वर्ल्ड। और आज है मेरी मम्मा की बर्थडे, तो आज मैंने अपनी मम्मा को, वैसे मैंने जो मम्मा का सरप्राइज़ था वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो उस वक्त रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, उस वक्त सिर्फ मोमेंट को आपको मतलब इन्जॉय करना होता है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अच्छा, मेरा सीन ये था कि मेरे पास पैसे थे, तो मैंने सोचा अब मैं मम्मा को ऐसी दूँगी ना, तो उनके मम्मा आपकी बर्थडे है, आप अपने लिए कुछ ले गए हो, तो कभी भी नहीं अम्मा देती मेरी कुछ भी ना, तो आंटी आई हुई सामने वाली तो क्या कहते हैं सामने वाली, एक वो होता है ना कि भाई सामने रहती है आंटी, एक वर्ड होता है जो कि हर पाकिस्तानी या देसी बंदा बोलता है हमारे सामने वाली आंटी। तो क्या कहते हैं अभी क्या बोल रही थी मैं, देखे भूल गई क्या बोल रही थी मैं, भूल गई देखे नहीं ना, कुछ और बोल रही थी मैं। हाँ जी, तो अजय ना मैंने ये सोचा था कि मैं अगर मम्मा को पैसे दूँ तो मम्मा कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं लेंगी, तो मैंने सोचा था मैं खुद ही मम्मा के लिए गिफ्ट्स लेकर आ जाती हूँ। तो मैंने मम्मा से छुपा के 2 दिन पहले मैं मम्मा के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी, जिसमें से 2 कुर्तियाँ हैं और एक परफ्यूम है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सही है, और मैं इतनी छुप के शॉपिंग कर आई थी, फिर ला के मैंने अपनी आंटी के घर ही रखवा दिया था ताकि मम्मा को पता ना चले ना। तो अब भी फिर मैं 11:30 बजे अपने कज़न के साथ गई, वो उन्होंने मुझे फिर केक दिलवाया, क्योंकि भाई मुझे कोई ले जाने वाला नहीं था इतनी रात को, मैं किसके साथ जाती। तो फिर मैं अपने कज़न के साथ गई, उसने मुझे केक दिलाया, फिर हम लोग वापस आए। तो अभी मम्मा की हैप्पी बर्थडे की, थोड़ा सा हम लेट हो गए क्योंकि रास्ते में ना किसी की बारात जा रही थी बग्गी वाली, अब वो पूरा ट्रैफिक जैम हुआ हुआ था, उस वजह से हम लोग 8-10 मिनट लेट हो गए 12 बजने में। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह बर्थडे निमट गई, केक शेक खा लिया सबने, और क्या कहते हैं हाँ दे दें, और क्या कहते हैं बस अभी मैं आपको मम्मा के गिफ्ट्स दिखाती हूँ। ओके अच्छा जी, तो मैं ये बोलने वाली थी कि अभी मम्मा ने मुझे याद दिलाया कि हमने केक कटने की मतलब केक कटिंग की और वीडियो बनाई है, तो हम वो उसमें मैं जो है इसमें एडिट कर दूंगी सारी वीडियो में, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाय द वे चलते हैं अभी गिफ्ट्स की तरफ। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। ये मैं मम्मा के लिए परफ्यूम लेकर आई थी, ये मैं एक और कुर्ती लेकर आई हूँ, ये मम्मा के फेवरेट कलर की है, और ये इसके अंदर जो है इसके अंदर भी मम्मा के फेवरेट कलर की कुर्ती है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एक कुर्ती है, अभी रुक जाए इसको खोल के दिखाती हूँ मैं। ये है क्या कहते हैं, ये है जी कुर्ती पहली वाली, और ये मैंने गिफ्ट की है, एक मम्मा का गिफ्ट है ये, और सेकेंड वाली भी मैं दिखाती हूँ। ये वाली कुर्ती मैंने सुहाई से ली है, यहाँ इनके पास बहुत अच्छी न्यू कलेक्शन आई हुई है, सो गो एंड चेक एन आउट। क्या कहते हैं इस पर कोई 25% या 26% ऑफ नहीं है, दूसरी वाली पे है, दूसरी जो पुराना इसका अराइवल है, लेकिन नए वाले पे कुछ भी ऑफ नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे कपड़े आए हुए हैं। मैं सेकेंड वाली भी कुर्ती दिखाती हूँ। ये वाली कुर्ती मम्मा का ही फेवरेट कलर है, मम्मा को रस्ट कलर बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा, तो ये वाली कुर्ती मैंने ली है जेलबरी से। जेलबरी को भी जाके चेकआउट करें, वहाँ पर इतने सस्ते कपड़े, मतलब सस्ते से मुराद उन्होंने इतना अच्छा डिस्काउंट दिया हुआ है कि मैंने बस ये वाली कुर्ती सिर्फ, आप ये कुर्ती चेक करें, और ये तो फिर भी बड़ों आ रही है, वहाँ पर टॉप वगैरह भी हैं बहुत अच्छे कलर में, वाइब्रेंट कलर है, तो वो सिर्फ 2000 रुपये ओनली 2000। और ये फिर लास्ट में हमारे पास है परफ्यूम, पकड़िए इसको भाई बाहर नहीं आ रही है, ये हमारे पास परफ्यूम है, ये भी मैंने खादी से लिया है, खादी के पास भी बहुत अच्छे परफ्यूम्स हैं, लाइक मेंस में ज़्यादा कलेक्शन है, वुमेंस में कम है, लेकिन बहुत अच्छी कलेक्शन है। मुझसे कभी बॉक्सेस खुलते नहीं है, जिस दिन मुझसे बॉक्सेस खुल गए ना, हाँ ये देखिए इस परफ्यूम का नाम है 021 एंड इट स्मेल्स सो गुड। इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, इसका वुडन कैप है, और मतलब बहुत बहुत अच्छी इसकी पैकेजिंग है। सम हार्ट्स लाइक जेड और शहीर, बट ये चीज़ डिफरेंट है, और शहीर पे यहाँ पे नाम लिखा होता है, बट मुझे बड़ा पसंद आया ये, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। तो ये आप लोगों ने देखा, ये मैंने अपनी अम्मा को गिफ्ट दिया था। अच्छा हाँ, आप लोग वीडियो में सोच रहे होंगे कि वो पतीले कहाँ से रखे हुए हैं, ये असल में जो ना हमारी ऊपर कबर्ड बनी है, तो जो ऊपर कबर्ड जो बनी है ना, तो हमारे घर में जैसे कभी कभी दावत होती है ना, तो बहुत बहुत सारे लोग आते हैं ना, हमारा माशाल्लाह ख़ानदान बड़ा है,
तो मम्मा फिर बहुत सारे लोगों का खाना बनाती हैं, तो ये वाले पतीले हमारे हर बार नीचे से उतरते हैं, फिर इन बेचारों को ऊपर जाना होता है, तो हम लोग अभी वेट में, और मेरी हाइट छोटी है, अम्मा की भी हाइट छोटी है, तब वो ऊपर वाले जो हमारे कबर्ड्स हैं उधर तो पहुँच नहीं सकता ये पतीला हम दोनों से, तो हम लोग किसी न किसी लंबे का हमारे घर पर आने का वेट करते हैं कि वो आए तो भाई ऊपर। अच्छा, और कभी कभी आंटी रखती हैं, और कभी कभी मेरे घर अगर मामू आए होते हैं, वैसे बहुत कम ऐसा होता है मामू लोग आए होते हैं तो मम्मा को याद ही नहीं रहता। खैर अभी हम रखवाएंगे इसको ऊपर, और बस यही अम्मा का गिफ्ट था, तो आई होप अम्मा को पसंद आया हो। वैसे पसंद तो उनको आया हो, उनको इतनी हैरत हो रही, ज़ैनब इतने महंगे गिफ्ट क्यों नहीं आए ये वो। मैंने कहा मम्मा अभी बंदा ये इस बात पर कॉन्सेंट्रेट करे कि हमें गिफ्ट मिले, मुझे गिफ्ट कोई देना मैं तो बोलूँ ही नहीं कुछ कि क्यों दिए, मैं तो कहूँ और दो और देते रहो देते रहो, ऐसे करूँ मैं तो। कह मेरी अम्मा बहुत टेंशन लेती हैं हर चीज़ की। हम चैलेंज करेंगे, कौन सा 40 ये औरत चाहती है कि मैं 40 की हो जाऊँ, मैं 18 की हो गई, मुझे 18 गिफ्ट दे दो तुम पहले। आपकी बर्थडे मुहर्रम में आती है? मेरी बर्थडे 4 साल से मुहर्रम में आ रही है, इस साल इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने मुझ पर करम किया तो हाँ इस साल आएगी, नॉर्मल आएगी। क्यों फेंक रही हो? हाँ फेंक दो, वैसे भी ये तो अलग रखेंगे ना। हाँ सही है। तो खैर अभी हम तफरियाँ करेंगे, हमने केक वेक भी खा लिया, मम्मा के लिए केक लेकर आई थी और कबाब जिसका, हाँ मिल्की मार्ट केक बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा बहुत, मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी ट्राई करेगा, जो चीज़ अच्छी है भाई तो वो बतानी चाहिए इंसान को कि भाई हाँ अच्छी है, आप लोग भी जाके देखो, क्योंकि हमारा तो कुछ नहीं जाएगा ना छुपाने से, तो इससे बेहतर है कि बंदा सब में शेयर करे हर चीज़। तो क्या कहते हैं, तो मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थोड़ी देर आ ही नहीं पाएगी। अच्छा जी, तो मैं सो कर उठ चुकी हूँ, अगला दिन स्टार्ट हो चुका है, हम लोग रात में सो गए थे, फिर रात में तब थक चुकी थी मैं पूरा दिन बिजी बिजी बिजी, उसके बाद रात में मैं थक चुकी थी, अभी सो कर उठी हूँ मैं, अभी शाम हो रही है, तो यहीं पे इस व्लॉग को एंड करते हैं। मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेगा, थोड़ा कमेंट भी कर दिया करें ना, बोलते हैं आप लोगों को कमेंट वमेंट नहीं करते हैं आप लोग। अभी और निन्नू आ रही है, जबकि अभी देखते हैं मैंने क्या बनाया, थोड़ा सा खाते शाते हैं, पेट पूजा करते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।